स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? नहीं। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज के टॉपिक को, जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या? गाउट। समझिएगा गाउट क्या होता है। गाउट क्या होता है सबसे पहले समझिएगा, दो कंडीशन होती है यहाँ पर। कौन कौन सी दो कंडीशन होती है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक तो होता है जिसको मैं बोलता हूँ क्या, एक्यूट गाउट। एक तो मैं क्या बोलता हूँ जिसको मैं, एक्यूट गाउट। और एक होता है आपका क्रोनिक गाउट। क्या होता है? क्रोनिक गाउट। क्लियर है? एक हो गया एक्यूट गाउट और एक हो गया क्रोनिक गाउट। चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि गाउट, क्रोनिक गाउट और एक्यूट गाउट होते किस वजह से। समझिएगा, ये आपका हो गया क्या, गाउट। यहां पर समझिएगा, जब आपके बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल का सीक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो क्या होता है पेशेंट को, गाउट होता है। यूरिक एसिड क्या होता है समझिएगा, ये क्या हो गया आपका, यूरिक एसिड हो गया। अब जब ये यूरिक एसिड पेशेंट के बॉडी में ज्यादा होता है तब क्या होता है पेशेंट को, प्रॉब्लम होती है। समझिएगा, दूसरी चीज, एक चीज समझिएगा, यूरिक एसिड प्रॉब्लम कॉज नहीं करता। कॉज क्यों करता है, जब ये यूरिक एसिड आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरेट क्रिस्टल में, तब ये प्रॉब्लम कॉज होती है। किसमें, जब ये यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है तब पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं यूरिक एसिड का यूरेट क्रिस्टल तक कन्वर्ट होने का सफर। तो बने रहिए मेरे साथ, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, समझिएगा। यहां पर दो कंडीशन है, एक तो है एक्यूट गाउट और एक है क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट में समझिएगा, समझिएगा यहां पर क्या दिया जाता है, एक तो दिया जाता है NSAID। क्या दिया जाता है? NSAID, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है DOC in एक्यूट गाउट, हमेशा टिक लगाना किस पर, NSAID पर। एक ड्रग जो यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं क्या, कोल्चिसिन। एक जो ड्रग दिया जाता है कोल्चिसिन, जो आपका ड्रग यूज होता है एक्यूट गाउट में। एक और यूज होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। समझिएगा, ये तीन ड्रग्स हम जनरली, तीन क्लास ऑफ ड्रग्स जनरली यूज करते हैं किसमें, एक्यूट गाउट में। समझिएगा, NSAID में एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, NSAID जो होती है आपकी, वो आपकी ड्रग जो यूज होती है, यहां पर दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली, NSAID में हमें कभी भी पेशेंट को एक्यूट गाउट में पैरासीटामोल प्रिफर नहीं करना, और दूसरा एस्प्रिन प्रिफर नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? अभी तो आपने बोला कि NSAID यूज किए जाते हैं सर, हमें यह भी पता है कि PCM और एस्प्रिन दोनों ही NSAID में आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, समझिएगा, कंडीशन क्या है, एक्यूट गाउट में क्या होता है, एक्यूट गाउट में क्या होता है आपका, इन्फ्लामेशन कॉज होता है। क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है पेशेंट को। तो जो आपकी PCM होती है, पैरासीटामोल होती है, उसका इन्फ्लामेशन एक्शन कैसा होता है, लेस होता है, इस वजह से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता। तो इस वजह से PCM यूज नहीं करते। चलिए सर, PCM तो यूज नहीं करते, एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन का लॉजिक समझिएगा, जब कोई पेशेंट एस्प्रिन को लेता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये एस्प्रिन क्या करती है, इस यूरिक एसिड के लेवल को और इंक्रीज कर देती है। ऑलरेडी यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, एस्प्रिन दे दोगे क्या होगा, यूरिक एसिड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका इसीलिए प्रीफर नहीं किया जाता। क्लियर है? कोल्चिसिन समझिएगा, कोल्चिसिन आपका मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। समझिएगा, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है आपके क्या, कोल्चिसिन। यहां पर क्या रीजन है, कोल्चिसिन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर मैं किसी पेशेंट को क्या दे रहा हूं, कोल्चिसिन दे रहा हूं, तो डेफिनेटली उसको एक्यूट गाउट में रिलीफ मिलेगा। तो सर डेफिनेटली जब मिलेगा तो DOC इसको क्यों नहीं बोल रहे, समझिएगा रीजन क्या है। कोल्चिसिन का एक बहुत ही बड़ा क्या है, रीजन है ना देने का। समझिएगा, ये आपका बहुत ही सीवियर क्या कॉज कराता है, डायरिया कॉज कराता है, सीवियर डायरिया कॉज कराता है, और
मायोपैथी कॉज कराता है। क्या कॉज कराता है? मायोपैथी कॉज कराता है, इस वजह से आपका कॉल्सिशन नहीं देते हैं। दूसरी चीज, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, अगर किसी पेशेंट को एक्यूट गाउट है और अगर उस पेशेंट को मैंने क्या दे दिया, कॉल्सिशन दे दिया, तो उससे क्या होगा, अगर उसको रिलीफ नहीं मिला तो डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि पेशेंट को एक्यूट गाउट नहीं है। उसके बाद मैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी स्टेरॉइड को भी मैं डायरेक्टली पेशेंट को दे सकता हूं, किसमें, नी में, यानी उस साइनोवियल जॉइंट में डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं, इस ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू क्या कर सकता हूं, मैं एडमिनिस्टर्ड भी करा सकता हूं। तो ये था कुछ एक्यूट गाउट का। चलिए थोड़ा सा पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं एक्यूट गाउट की। एक्यूट गाउट की कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर एक्यूट गाउट की बात कर रहा हूं मैं। ये क्या है सर, समझिएगा, ये आपका क्या है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, साइनोवियल जॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट में ये आपका क्या है, यूरिक एसिड है, समझना। ये यूरिक एसिड आपका जब साइनोवियल सेल में यानी साइनोवियल जॉइंट में चला जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, ये यूरिक एसिड जब साइनोवियल जॉइंट में चला गया, उस वह क्या होगा, ये जो साइनोवियल जॉइंट में जो साइनोवियल सेल प्रेजेंट है, साइनोवियल सेल प्रेजेंट है, ये क्या करती है, ये सेल उसको इनगल्फ कर लेती है। क्या कर लेती है, ये सेल उसको इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ करने के बाद क्या होता है, जैसे ये इसको इनगल्फ करेगी, क्या होंगे आपके इंटरल्यूकिंस, हाँ इंटरल्यूकिंस आपके क्या होंगे, रिलीज होंगे। ये इंटरल्यूकिंस क्या करते हैं, ये इंटरल्यूकिंस WBC को आपके बुलाने जाते हैं कि भैया चलिए यहाँ पर हमारी जो साइनोवियल सेल है उसने यूरिक एसिड को क्या कर लिया है, इनगल्फ कर लिया है। तो WBC यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, कीमोटैक्सिस प्रोसेस। क्या बोलता हूँ, कीमोटैक्सिस प्रोसेस, समझिएगा। जैसे ही ये WBC यहाँ पर आते हैं, ये आपके क्या करते हैं, इस साइनोवियल सेल को एनगल्फ कर लेते हैं। मतलब साइनोवियल सेल ने यूरिक एसिड को एनगल्फ किया, WBC ने इन्हीं को एनगल्फ कर लिया, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या होगा, WBC आपके ग्लाइकोप्रोटीन का क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन का रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करेंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीन का दो काम होता है यहां पर, समझिएगा। क्या पहला काम होता है, ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस कराते हैं। क्या कराते हैं, लैक्टिक एसिडोसिस कराते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, समझिएगा। यहां पर लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिवेट करते हैं, दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कैसे, समझिएगा। लैक्टिक एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो यूरिक एसिड प्रेजेंट था आपका, ये यूरिक एसिड एसिड में क्या होता है, एसिड में प्रेसिपिटेट हो जाता है। एसिड में क्या करता है, ये क्रिस्टल फॉर्म बना लेता है, कौन सा, जिसको मैंने अभी बताया था, ये क्या करता है, यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है, ये आपका यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लाइसोसोमल एंजाइम भी क्या करते हैं, उसको डिग्रेडेट करते हैं, समझिएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट होता है किसमें, एक्यूट गाउट में। और ये क्रिस्टल फॉर्म ही पेशेंट को क्या करते हैं, पेन कॉज कराते हैं। और यहां पर क्या कॉज हो जाता है आपका, इन्फ्लामेशन। क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, क्लियर हुआ। तो यहां पर इन्फ्लामेशन हो गया, उसकी वजह से भी पेशेंट को पेन होता है। दूसरी चीज, क्रिस्टल फॉर्म भी हो गए, उसकी वजह से भी पेशेंट को क्या होता है, यहां पर पेन होता है। अब समझिएगा, मैं ड्रग क्या दे रहा था, एनएसएआईडीज दे रहा था। एनएसएआईडीज में समझिएगा, मैंने क्या बोला, एनएसएआईडीज में क्या किया, यहां पर क्या बोला था मैंने कि एनएसएआईडीज क्या करेंगे आपके, एनएसएआईडीज पेशेंट को पेन में हेल्प करेंगे। उसके बाद समझिएगा दूसरी चीज, जो आपकी कॉल्सिजिन करके जो ड्रग है वो क्या करती है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, वो इस कीमोटैक्सिस प्रोसेस को ही इनिबिट कर देती है। अगर कीमोटैक्सिस प्रोसेस इनिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, यहां पर WBC आपके साइनोवियल सेल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्लियर है। WBC साइनोवियल सेल पर नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये जो WBC है ये आपके साइनोवियल सेल को एनगल्फ नहीं कर पाएंगे, आगे प्रोसेस फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। तो ये किसका काम होता है, कॉल्सिजिन का काम होता है, क्लियर हो गया। तो ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी किसका,
एक्यूट का। एक चीज यहां पर समझने वाली क्या है, समझिएगा, एक्यूट गाउट में कभी भी, एक्यूट गाउट में कभी भी यूरिक एसिड के लेवल को कम नहीं करते हैं। क्यों सर? आप ही ने तो कहा था कि यूरिक एसिड के लेवल का, जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है इस वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, तो डायरेक्टली यूरिक एसिड के लेवल को कम कर देते ना। नहीं, समझिएगा क्या होता है, जब एक्यूट अटैक होता है पेशेंट को, उस कंडीशन में जो जॉइंट होते हैं पेशेंट के, वो उनकी परमेबिलिटी कैसी हो जाती है आपकी, कम हो जाती है। कैसी हो जाती है? परमेबिलिटी इनकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। परमेबिलिटी कम होने की वजह से क्या होता है, समझिएगा, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं पेशेंट के ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को कम कर दूंगा, तो जो यूरिक एसिड आपका टिश्यू में प्रेजेंट होता है, टिश्यू में प्रेजेंट होता है, वो यूरिक एसिड कंसंट्रेशन इंग्रेडिएंट की वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहां से ब्लड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्लियर है? जब वो ब्लड की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी? अगर ये यहां ना जाते हुए गलती से ये इस जॉइंट में आ गया तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसीलिए एक्यूट की कंडीशन में कभी भी पेशेंट के यूरिक एसिड को लेवल को कम नहीं करते हैं, पहले उनको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने से क्या होगा, जब पेशेंट को रिलीफ मिलेगा यानी परमेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, तब पेशेंट के यूरिक एसिड के लेवल को कम किया जा सकता है। तो ये था आपका क्या, एक्यूट गाउट। अब आ जाते हैं किस पर, अब आ जाते हैं क्रोनिक में। क्रोनिक में समझिएगा, क्रोनिक गाउट बहुत ही सिंपल समझिएगा क्या है, यहां पर पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस क्या होता है, आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है कहां पर, ब्लड में। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्यों हम इधर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं? समझिएगा, अभी प्रॉब्लम नहीं है, इन फ्यूचर तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना होता है। समझिएगा, यहां पर बात हो रही है किसकी, क्रोनिक गाउट की। तो क्रोनिक गाउट में हम क्या कर सकते हैं, यूरिक एसिड के लेवल को कम कर सकते हैं। यहां पर कैसे कम कर सकते हैं सर, समझिएगा, रीजन ये है, यहां पर पेशेंट की जो जॉइंट की परमेबिलिटी है वो आपकी रिड्यूस नहीं हुई है, तो आपका यूरिक एसिड आपके जॉइंट में नहीं जा सकता। इस वजह से यहां पर हम यूरिक एसिड के लेवल को डायरेक्टली कम कर सकते हैं। दो कंडीशन होती है कैसे किया जा सकता है कम, समझिएगा, एक तो मैं क्या करूं, एक तो मैं यहां पर इस यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दूं, प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दूं, दैट मीन जो यूरिक एसिड का जो लेवल है बढ़ रहा है, मतलब अगर बॉडी में यूरिक एसिड बनेगा तो डेफिनेटली लेवल भी बढ़ेगा, तो मैं क्या करूं, प्रोडक्शन को इनहिबिट कर दूं, मतलब यानी कि किसको इनहिबिट कर दूं, सिंथेसिस को इनहिबिट कर दूं, जो आपकी यूरिक एसिड के लेवल की सिंथेसिस है उसको मैं इनहिबिट कर दूंगा, तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड कम हो जाएगा। या मैं क्या करूं, या मैं इस यूरिक एसिड के एक्सक्रिएशन को बढ़ा दूं, क्या कर दूं, यूरिक एसिड के एक्सक्रिएशन को इंक्रीज कर दूं, मतलब यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकाल दूं। तो उस टाइप के ड्रग को हम क्या बोलते हैं, जो क्या करेंगे, यूरिन में यूरिक को, वो क्या करेंगे, इस यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। क्लियर हो गया? समझिएगा, एक्सक्रीशन को समझ लेते हैं पहले, फिर आते हैं किस पे, सिंथेसिस इनहिबिटर में। यूरिकोस्यूरिक ड्रग जो होते हैं आपके, वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है जिसको बोलता हूं क्या, प्रोवेनेसिड। क्या बोलते हैं? प्रोवेनेसिड। ये आपका क्या है, प्रोवेनेसिड क्या है, आपका ड्रग है जो यूज किया जाता है किसके लिए, एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए, मतलब ड्रग के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है ये। उसके बाद आता है आपका क्या, सल्फा पायराजोन। नेक्स्ट ड्रग क्या है आपका, सल्फा पायराजोन। नेक्स्ट ड्रग है आपका सल्फा पायराजोन। एक होता है आपका जिसको क्या बोलते हैं, बेंज ब्रोमाजोन, बेंज ब्रोमाजोन, बेंज ब्रोमाजोन। नेक्स्ट क्या है आपका, बेंज ब्रोमाजोन। और लेटेस्टली आपका एक नया ड्रग चलता है जो आपका यूज होता है किसमें, एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए, जिसका नाम है, जिसका नाम है क्या, नेक्स्ट ड्रग क्या है, लेसिनोरेड।
ये आपका ड्रग यूज होता है किसके लिए, लेसिनोरेड, जो आपका लेटेस्टली चल रहा है। नाम में ही समझिएगा, नाम में ही सब कुछ छुपा है। क्या छुपा है समझिएगा, लेसिनोरेड मतलब क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा किसके, यूरिक एसिड के लेवल को। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यूरिक एसिड के लेवल को, समझिएगा। तो ये जो ड्रग्स दिए जाते हैं आपके, ये किसके लिए दिए जाते हैं, ये पेशेंट के यूरिक एसिड को एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर करने के लिए ये दिए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पेशेंट को जब ये ड्रग देंगे तो आप एक एडवाइस भी देंगे। क्या एडवाइस देंगे कि अगर पेशेंट को ये ड्रग दे रहे हैं तो उसको वाटर ज्यादा से ज्यादा पीना है। क्यों पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, उसका भी रीजन है, समझिएगा। अगर आपका यूरिक एसिड यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, क्लियर है, और वाटर का अगर क्या हो गया, लेवल कम हो गया, तो उससे क्या हो सकता है, उससे एसिडिटी बढ़ सकती है। एसिडिटी का मतलब क्या, एसिड मीडियम होने के चांसेस ज्यादा हैं। और याद रखिएगा, आपका जो यूरिक एसिड है ये एसिड मीडियम में क्या हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे क्या होगा, पेशेंट को पथरी होने के चांसेस हो जाएंगे, क्लियर है। तो इसीलिए जब भी आप किसी पेशेंट को ये ड्रग प्रिफर करेंगे तो आप उनको फ्री में एक एडवाइस भी देंगे, क्या, कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। तो ये हो गया क्रॉनिक में एक्सक्रीशन यूरिकोस्यूरिक वाले ड्रग्स। अब आ जाते हैं किस पर, सिंथेसिस इनहिबिटर पे। इसको समझने से पहले थोड़ा सा सिंथेसिस को समझ लेते हैं, समझिएगा यहां पर सिंथेसिस कैसे होती है। एक तो हो गया आपका प्यूरिन और एक हो गया आपका प्रोटीन। प्यूरिन क्या है सर, कंफ्यूजन में है, समझिएगा, डीएनए और आरएनए से, डीएनए और आरएनए के मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है, समझिएगा। जब आपका प्यूरिन और प्रोटीन का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, समझिएगा, प्यूरिन और प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, ये कन्वर्ट होते हैं हाइपोजेंथीन में। किसमें कन्वर्ट होते हैं, हाइपोजेंथीन में। और ये हाइपोजेंथीन कन्वर्ट होता है किसमें, आपका हाइपोजेंथीन कन्वर्ट होता है जेंथीन में, क्लियर है, समझिएगा। हाइपोजेंथीन किसमें कन्वर्ट हुआ, जेंथीन में, किसके थ्रू, एक एंजाइम है जिसका नाम है क्या, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से ये कन्वर्ट होता है जेंथीन में। और जेंथीन कन्वर्ट होता है किसमें, आपका यूरिक एसिड में। किसमें, यूरिक एसिड में। ये कौन है, अरे यही तो, यूरिक एसिड में, यूरिक एसिड कौन है, यही तो कौन है, समझिएगा। जेंथीन में कन्वर्ट हुआ और यूरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया जेंथीन की प्रेजेंस में, यानी जेंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में। अब मैं क्या करूं, मुझे इसको स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं, इस जेंथीन ऑक्सीडेज को ही इनहिबिट कर दूं, मैं क्या करूं, इस जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर दूं। तो यहां पर जो सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो आपकी क्या है, DOC भी है, ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, क्रोनिक गाउट में। अगर कोई पूछ ले तो सिंपल सा लिख देना, क्या, आलोपुरिनोल। आलू ये क्या करता है, इस जेंथीन इनहिबिटर को, यानी इस जेंथीन ऑक्सीडेज को, ये क्या करता है, इस जेंथीन ऑक्सीडेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सिंथेसिस रुक जाती है। दूसरी चीज, अगर आप किसी पेशेंट को ये ड्रग दे रहे हो और पेशेंट को प्यूरिन और प्रोटीन की वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या सजेशन दोगे, सिंपल सा सजेशन देना कि भैया ज्यादा कुछ मत खाना, सिर्फ आलू और प्यूरिनोल, यानी आलू और प्यूरिनोल से क्या करो, काम चला लो भैया, ज्यादा कुछ मत खाओ। इससे क्या होगा समझना, मतलब आलू का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, यानी आप कार्बोहाइड्रेट खा सकते हो। उसके बाद पूरी का मतलब किसकी बात हो रही है, लिपिड की बात हो रही है। मतलब क्या है, पेशेंट को जिसको गाउट है उसको आलू यानी कार्बोहाइड्रेट, और पूरी मतलब क्या है, लिपिड, यानी कि वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। क्या नहीं खाना है, प्रोटीन वाली डाइट को क्या करना है, कम करना है, क्लियर हो गया। तो बोल देना आलू पूरी नॉल, यानी आलू और पूरी से काम चला लो भैया, ठीक है, प्रोटीन कम खाओ। ये हो गया एक ड्रग कंप्लीट। अब दूसरी चीज समझना, तो क्या है, अगर किसी पेशेंट को आलू प्रिनोल से क्या है,
प्रॉब्लम है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को आलुप्रिनॉल से प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको आलुप्रिनॉल जो ड्रग है ये शूट नहीं करती है, तो क्या देते हैं? देते हैं फेवोक्सो स्ट्रेट ड्रग दिया जाता है। किसको? जिन पेशेंट को इस आलुप्रिनॉल ड्रग से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, उनको हम कौन सा ड्रग देते हैं? आपका फेवोक्सो स्ट्रेट, जो आपकी जेंथीन ऑक्सीडेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्या, ये था आपका क्या, प्यूरिन और प्रोटीन का सिंथेसिस। एक चीज और समझिएगा, समझने वाली बात क्या है, यूरिक एसिड जो होता है आपका, ये आपका लेस सॉल्युबल होता है, समझिएगा, ये कैसा होता है आपका, लेस सॉल्युबल होता है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सर ये मैन में तो प्रॉब्लम कॉज करता है, वर्ड्स वगैरह में, मैमल्स में क्यों नहीं होती यूरिक एसिड के लेवल से गाउट? समझना, रीजन क्या है, उनके में क्या होता है, उनमें क्या होता है, ये यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एलेंटोइन में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, यूरी केज एंजाइम की प्रेजेंस से ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है एलेंटोइन में, किसमें, एलेंटोइन में। तो ये यूरिक एसिड आपका यूरिकेज एंजाइम की वजह से प्रेजेंट होता है किसमें, एलेंटोइन में, और ये जो एलेंटोइन होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल होता है, और आराम से ये रिलीज आपका ये क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है किडनी से। इसीलिए हम लोगों में क्यों नहीं होता, रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमारी बॉडी में यूरिकेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ये किसमें प्रेजेंट होता है, आपकी वर्ड में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे जो अभी तक करते हुए आए, चोरी करना। मतलब कैसे चोरी, इन द सेंस मतलब कोई भी टेक्निक, कोई भी चीज हमें जो दिखती है हम चुरा लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया, हमने इस वर्ड से इस एंजाइम को चुरा लिया, हमने क्या किया, यहां से हमने एक वर्ड के एंजाइम को चुरा लिया, क्या किया, चुरा लिया। अब यहां से हमने क्या किया, इस एंजाइम को चुरा लिया, इस एंजाइम को हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, कन्वर्ट कर लिया और एक ड्रग बना लिया, जिसको मैं क्या बोलता हूं, रसब्यूरिकेज। क्या बोला मैंने, रसब्यूरिकेज एंजाइम, यानी कि ये क्या है आपका, एक ड्रग है, मैंने इस यूरिकेज को ले लिया और रिकॉम्बिनेशन डीएनए की मदद से मैंने क्या किया, एक ड्रग बना लिया जिसका नाम है क्या, रिब्यूरिकेज। ये ड्रग जो है आपकी ये क्या करती है, यूरिक एसिड को कन्वर्ट करती है किसमें, एलेंटोइन में, और फिर आगे एलेंटोइन आपका वाटर सॉल्युबल होता है। दूसरी चीज हमने क्या किया, हमने कहा ये शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग के लिए हमने क्या किया, इसको पैक दे दिया, हमने कहा चलो इंडिया में आए हो तो पैक पी लो। अब पैक पिलाया इसको, तो पैक पीने के बाद क्या हुआ, इसका नाम हो गया पैगलो यूरिकेज, यानी कि पैगलो यूरिकेज, दैट मीन यानी ये जो ड्रग है लॉन्ग एक्टिंग है, कैसी है, लॉन्ग एक्टिंग है, क्लियर है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके यूरिक एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एलेंटोइन में, जो वाटर सॉल्युबल होता है, जिससे पेशेंट का जो यूरिक एसिड है वो इजी वे में क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन, खत्म, बाय बाय, टाटा। गजब बेइज्जती है।